कोरोना महामारी ने एक तरफ जहां लोगों की आमदनी को घटाया है, वहीं खर्च बढ़ने से उनकी आर्थिक हालत को भी कमजोर किया है। इसके चलते लोगों को खर्चे चलाने के लिए कर्ज लेने को मजबूर होना पड़ रहा है और वो कोरोना काल में ज्यादा कर्जदार हो गए हैं। 2020-21 में लोगों का कुल कर्ज जीडीपी के 37.3% तक पहुंच गया है। 2019-20 में लोगों का कुल कर्ज 32.5% था। SBI रिसर्च की रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि महामारी की दूसरी लहर के कारण कर्ज का यह अनुपात 2021 और 22 में और बढ़ सकता है। स्वास्थ्य खर्चे काफी बढ़े हैं, जीएसटी के बढ़ने से भी उसका इम्पैक्ट आया है, तो किसी भी तरीके की यहाँ पर मदद ना मिलने की वजह से लोग अब परेशान हैं। आम लोगों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और लोन लेने को मजबूर होते जा रहे हैं, और इस तरीके से अगर सिचुएशन रही तो आगे RBI हो या SBI, उनके लिए काफी चिंता का सबब हो सकता है। दरअसल पारिवारिक कर्ज का स्तर जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से बढ़ रहा है। SBI रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में 4 वर्षों में परिवारों पर कर्ज का स्तर 7.20% बढ़ गया है। 2017-18 में परिवारों का कर्ज का स्तर 30.1% था। 2018-19 में ये बढ़कर 31.7% हो गया। 2019-20 में ये 32.5% और 2020-21 में उछलकर 37.3% हो गया। 2020-21 में बैंक जमा में कमी और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ने से परिवारों का कर्ज जीडीपी के अनुपात के रूप में 2021-22 में और बढ़ सकता है। जिन लोगों ने लोन लेने ले रहे थे वो अब लगभग जीडीपी का 37.5% अब लोन यहां पर लिया जा चुका है, और SBI की चिंता यही है कि ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। लोगों की नौकरी जाने और आमदनी यहां पर घटने की वजह से अपने सर्वाइवल के लिए लोगों ने यहां पर लोन लेना शुरू किया, और उस लोन को रीपे करने की क्षमता यहां पर घटती जा रही है, और इसी वजह से ये अब परेशानी का सबब यहां पर बन रहा है। परिवार पर कर्ज बढ़ने का मतलब है खपत और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ने से लोगों की वित्तीय बचत दर कम हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक जमा में कमी, इलाज और स्वास्थ्य संबंधी दूसरे खर्चों से 2021-22 में जीडीपी के अनुपात में परिवार के ऊपर कर्ज और बढ़ सकता है।